जिले से जुड़े कुछ खास बिंदुओं को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं मथुरा की जिलाधिकारी मैडम बी चंद्रकला से। मैडम, सबसे पहले तो इस मध्य आपके कार्यकाल के 3 माह पूरे हो गए हैं, इसकी आपको बधाई हमारी ओर से। थैंक यू खत्री जी। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल जो एक सबसे इम्पोर्टेंट इशू चल रहा है वो चल रहा है जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ का। वहाँ पर बताया गया कि 2 मथुरा के लोग भी लापता हैं और उनके परिजन आज सगे संबंधी आपसे मिले हैं, तो उनको आपने क्या कहा है? जनपद मथुरा के ही 2 टूरिस्ट वहाँ पर टूरिस्ट के रूप में गए थे। आज उनके फादर जनता दर्शन में आए थे कि उनसे वो 1 तारीख को गए थे यहाँ से और 6 तारीख में रात 10 बजे उनसे बात भी हुई घर वालों की, और अचानक से फ़ोन जैसे ही कटा उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हुआ। उन्होंने वो नंबर भी दिया और कौन से होटल में रुके तक भी सूचना ये लोग ले नहीं पाए, उतने में फ़ोन कट हुआ। बस इतनी बात हुई थी कि भयानक बारिश और काफ़ी जलभराव है, उसके बाद से फोन नहीं लगा, आज तक भी उनसे बात नहीं हो पाई। तो इस मैटर को हमने तत्काल संज्ञान में लेते हुए एसएसपी महोदया को हमने यहाँ से सूचित किया कि ऐसी ऐसी घटना है, और हमने उनको सीधे वहाँ पर भेजा और उनके खोजने के यथासंभव प्रयास पुलिस विभाग द्वारा चालू कर दिया है। और जैसे ही कोई सूचना उनके बारे में प्राप्त होती है और परिवार को अवगत कराया जाएगा, और उनको यह भी बताया गया है कि और कोई सूचना उनको कहीं से भी प्राप्त हो आकर ज़रूर हमको बता दे ताकि हमारे खोजने में हमें आसानी हो। और पूरे जनपद में भी यदि ऐसे कोई प्रकरण है किन्हीं के परिजन जो मथुरा जनपद से बिलोंग करते हैं और गए और वहाँ पर से अभी दिक्कत में है, ऐसी कोई स्थिति हो तो कलेक्ट्रेट आ सकते हैं ताकि उन्हें तत्काल मदद के हम लोग पूरी तैयारी कर सकें। मैडम, एक और आप कह रही हैं कि यदि ऐसे और भी लोग हों तो वे कलेक्ट्रेट आ सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन यहाँ बड़े खेत के साथ हम बता रहे हैं आपको कि पिछले साल जब जून में उत्तराखंड में आपदा आई थी तो उसमें आधा दर्जन से अधिक लगभग 9 लोग मथुरा के लापता हो गए थे जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला है। उनको किसी प्रकार की कोई सहायता मथुरा जिला प्रशासन के माध्यम से उत्तराखंड से नहीं मिल पाई है? एक्चुअली जो उत्तराखंड की त्रासदी की बात है, अभी तो कश्मीर में फिलहाल हम लोगों को उन्हें किसी भी हालत में सेफली उनको राहत बचाव पर पहले ध्यान देना है। अभी हम लोग उत्तराखंड का जो इशू है उसे कश्मीर का इशू अभी नहीं लिंक करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड का जो स्थिति थी वहाँ पर सरकार द्वारा ही मुआवजा घोषित किया गया, और यदि यहाँ कोई ऐसे परिवारजन हैं जिनके लोग प्रभावित हुए और लौटे नहीं और वहाँ से मृत घोषित हुए हैं तो उनके सर्टिफिकेट तो जारी हो गए हैं। जैसे ही हम यहाँ पर आए थे शुरुआत में सर्टिफिकेट्स तो जारी हो चुके हैं, और मुआवजे की जो बात है यदि परिवार लोग आते हैं और यहाँ संपर्क करेंगे तो निश्चित उनको मिल जाएगा। ऐसा कोई स्थिति नहीं है कि वो आए हैं और उनको ना मिला हो। यानी कि आप भरोसा दिलाते हैं कि उनकी पूरी सहायता करेगा जिला प्रशासन? यस, यस, यस। यही हम आपसे मैडम जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों अभी राजकीय शिशु गृह में एक बच्ची की डेथ हो गई थी, उसके संबंध में क्या कार्रवाई हुई है, किसी को क्या दोषी पाया गया है, क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, राजकीय शिशु भवन में एक बालिका जो 22 दिन की थी, जो खेत में मिली थी, ऑलरेडी प्रीमेच्योर बेबी होने का डॉक्टर ने भी रिपोर्ट में दिया। इस क्रम में उस बालिका को अत्यधिक केयर की आवश्यकता थी, और जैसे ही उनके एक्सपायर होने की खबर आई तो हमने एक मजिस्ट्रियल जांच जिसमें 3 सदस्य 3 महिला अधिकारियों को हमने नामित किया, और शिशु भवन से संबंधित हर पहलू पर इसमें हमने जांच करवाया। वैसे आप जानते हैं हम शिशु भवन हर ओकेशन पर वीकली 1-2 हम वहीं विजिट करते रहते हैं, और कई बार मैंने यही देखा है कि वहाँ मानवता की मातृत्वता की कमी हमेशा मिली है। उसे इतना दूर करने के प्रयास के उपरांत भी
अधीक्षिका के लेवल पर जो लापरवाही वहाँ पर बरती जा रही है, और बाकी उनके द मोमेंट मुखिया लापरवाही बरतेंगे तो अधीनस्थों पर क्या प्रभाव होगा, ये आप सब जानते हैं। इस क्रम में जांच आख्या में भी यही प्राप्त हुआ है कि उन्होंने एक दिन का परमिशन लिया और वे लगातार दिनांक 28 के परमिशन के आधार पर दिनांक 5 के डेथ के न्यूज़ के शाम जब उनको ये किसी ने बता दिया, जब 4th और 5th की नाइट के बीच डेथ हुई तो 5th के दिन इवनिंग 4:30 बजे वो यहाँ पर पहुँची। तो यही स्पष्ट दिखाता है कि कौन कितना जिम्मेदार है। इसी क्रम में जांच कमेटी ने उनका भी लापरवाही सिद्ध किया और साथ ही में जिनको उन्होंने चार्ज दिया वो तो पूर्णतया यहाँ पर आए ही नहीं, बल्कि केवल एक शिक्षिका उनके आधार पर वो नाइट स्टे की थी और उन्होंने भी बिना किसी को चार्ज दिए, मतलब बच्चों को जिस लेवल ऑफ केयर की ज़रूरत है उसमें घोर लापरवाही प्रतीत हुई। तो शासन स्तर पर हमने अधीक्षिका के निलंबन और कोई कर्मठ अधीक्षिका को तत्काल तैनाती का रिक्वेस्ट किया है, और साथ ही में अन्य जिन जिन के स्तर पर लापरवाही प्राप्त हुई है उन सबके विरुद्ध कठोर कार्रवाई और कर्मठ स्टाफ के लिए हमने आवेदन निवेदन किया है शासन से। यानी कि अभी तक किसी के विरुद्ध कार्रवाई हो नहीं पाई है, केवल संस्तुति ही की गई है आपके द्वारा। मेरा जो क्षेत्राधिकार है उसमें मैंने पूरी जांच करवाई और उसमें जो दोषी पाए मैंने प्रस्तावित किया है, जिस स्तर से कार्रवाई होना है जिसका क्षेत्राधिकार है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम से मैंने सीधे बात किया है, उनको अवगत भी कराया है। देखिए एक आध दो दिन में कोई सूचना जैसे आती है हम बताएंगे। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का भी आपने भ्रमण किया बताते हैं, उसमें आपको क्या मिला है? हमने नहीं भ्रमण किया, हमारे अधिकारियों के द्वारा जैसे ही जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, फरहक कस्तूरबा विद्यालय डाइट के प्राचार्य द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जहां ये चौंकाने वाला तथ्य मिला कि जो 100 बालिकाओं का ऑन पेपर दिखाया जा रहा था वहां पर मात्र 45, 47, 35 इस तरह से बालिकाएं वहां पर उपलब्ध थी, जो कि अनदर एक गंभीर अनियमितता है। और इसी क्रम में बाकी अन्य विद्यालयों में भी औचक निरीक्षण कराया गया, अन्य जगहों पर भी स्थिति इससे भिन्न नहीं पाई गई और यहाँ पर भी इसी तरह से ओवर रिपोर्टिंग की ही स्थिति सामने आई। इस क्रम में बीएसए को निर्देशित किया है कि सभी जिन जिन वार्डन्स के यहाँ से इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई है उनकी सेवा क्यों ना समाप्त की जाए, इनको नोटिस जारी किया है और उनका जो भी जवाब विद इन 5 डेज प्राप्त होता है उस संबंध में कार्रवाई करते हुए कर्मठ स्टाफ को तैनात करने में हम कतई पीछे नहीं हटेंगे। मोहली रोड इश्यू को शायद भूल गया है जिला प्रशासन। मोहली रोड भूलने लायक नहीं है, मोहली रोड में जो स्थितियां आप अब तक अवगत हैं उसी क्रम में अधिग्रहण का जो इशू है, क्योंकि राजस्व की जो सड़क है वो मौके पे आज भी है, लेकिन लोगों की डिमांड है जो विकास प्राधिकरण के नक्शे में मौजूद सड़क है, राजस्व की जो सड़क है वो हम आज भी अभी भी बना देंगे, लेकिन जो डिमांड लोगों ने प्रेषित की है उस क्रम में अधिग्रहण हेतु हम भेज रखे हैं, जैसे ही कोई कार्रवाई होगी वो सार्वजनिक ही होगी। और एक प्रश्न यहाँ पर 2008 में हुए एक आयोजन के संबंध में, ब्रज रज उत्सव पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वो आयोजित हुआ था और तत्कालीन जिलाधिकारी मैडम ही थी अनीता सी मेश्राम और VC MBDA आर के सिंह, उन्होंने ये कहा था कि ये हर वर्ष हुआ करेगा, लेकिन फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई कि उनका तबादला हो गया और वो उत्सव आगे नहीं बढ़ पाया। ये बात पिछले दिनों यहाँ आए कमिश्नर श्री प्रदीप भटनागर जी के संज्ञान में भी लाई गई, तो उन्होंने आपसे कहा था कि इसको कृपया आप दिखवाएं, तो उसके संबंध में क्या कहेंगे आप? एक्चुअली जो उत्सव होता है इसके लिए कोई एज सच पर्यटन विभाग से चिन्हित धनराशि प्राप्त नहीं होती है, तो इस संबंध में हम माननीय आयुक्त महोदय से ही चर्चा करेंगे, क्योंकि उत्सव में जो एक्सपेंसेस आएंगे उसे उसका माध्यम क्या होगा, क्या इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा, इसके मॉडलिटीज़ हम डिस्कस करेंगे और निश्चित ही इसे एक रूप देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। आखिरी सवाल आपसे जुड़ा हुआ, आपके बारे में ये चर्चा चल रही है आजकल कि आप
विदेश जाने वाली हैं 10-12 दिन के लिए? विदेश नहीं, बल्कि जो प्रो पुअर टूरिज्म का जो प्रोजेक्ट की चर्चा हो रही थी, विजिट भी किया था टीम ने, इस संबंध में टीम का, वर्ल्ड बैंक की टीम का प्रस्ताव था, लेकिन डीएम पद ऐसा होता है कि इनको 10 दिन का समय शासन द्वारा दिया जाए, ये बहुत ही आजकल के परिवेश में बहुत मुश्किल है, और शासन से ऐसा सच कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। यदि ऐसी कोई संभावना हो तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक्स। अभी तक हमारे साथ रहीं मथुरा की जिलाधिकारी मैडम बी चंद्रकला, जिनसे विभिन्न समसामयिक सवालों को लेकर हमने बात की, जिले के जो इस वक्त के खास बिंदु हैं उनकी हमने आपसे चर्चा की और आपने उनके समसामयिक जवाब दिए। न्यू न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मुरारी के साथ योगेश खत्री।